नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों की और रुक करने का तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुंदर भाटी जेल से हुआ रिहा। गुरुग्राम में मकान में आग लगने से 4 लोगों की जलकर हुई मौत। इसराइल ने 3 चरणों में ईरान पर किया अटैक, सबसे पहले ध्वस्त किया एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की आलोचना की। पूरे टेस्ट में 249 पर सिमटी न्यूजीलैंड की दूसरी पारी, भारत के सामने रखा 349 का लक्ष्य। करौली में कलेक्टर ऑफिस के सामने लटका मिला नायब तहसीलदार का शव। फरीदाबाद में साइको किलर ने ली 2 लोगों की जान, खंडहर बिल्डिंग से शव बरामद। पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू केस में 7 लोग हुए सस्पेंड, इसमें 2 डीएसपी, 3 सब इंस्पेक्टर और 1 एएसआई भी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई ईरान पर इजरायली हमले की जानकारी। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के अलीपीरी में 2 होटल्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।